डॉक्टर राजेश कुमार तर ह्यांच्याबद्दल मी पहिले थोडीशी माहिती देऊ इच्छितो की राजेश कुमार हे आमचे शिक्षण तज्ञ आहेत राजेश कुमार सरांनी आतापर्यंत म्हणजे वेगवेगळ्या एक पंचवीस ते तीस वर्षांचा अनुभव आहे सरांचा शिक्षण क्षेत्रातला कमीत कमी आणि त्यांनी शाळा कॉलेजेस सगळ्या असं म्हणजे देशात तसंच विदेशातही काम केलेलं आहे शिक्षक म्हणून त्यानंतर ते अजिम प्रेमजी प्रेमजी फाउंडेशन सोबतही शिक्षण तज्ञ म्हणून राहिले आहेत आणि नंतर दिगंतर या संस्थेसोबत ते एक्झिक्युटिव्ह डिरेक्टर म्हणून काम करत होते तर आ, आ, हे आपल्याला हिंदी मध्ये संबोधन करतील या संबंधी की आज खरच गरज का आहे ऑनलाईन शिक्षणाची आणि हे जे सेशन आहे त्याच्यात आपण नेमकं काय शिकणार आहोत किंवा काय जाणून घेणार आहोत तर डॉक्टर राजेश कुमार जी मैं आपका स्वागत करता हूं और अभी आपको विनती करता की मार्गदर्शन करें हमारे जो सारे साथी है उनको जी धन्यवाद वरुण धन्यवाद पर... वरुण जी आदरणीय श्री राजेश कुमार अपने मनोगत व्यक्त करते राजेश कुमार जी धन्यवाद धन्यवाद पाटिल जी आ, सारे सम्मानीय अतिथिगण शिक्षा विभाग के अधिकारी और हमसे जुड़े हुए शिक्षक साथियों आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप इससे जुड़े हैं और व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे हिंदी में सुनने की अनुमति आपसे मिली है अः जैसा वरुण ने कहा कि एक विशेष परिस्थिति है और इस विशेष परिस्थिति का सामना करने के लिए हम सब एक समूह के तौर पे एक परिवार के तौर पे आज जुड़े हुए हैं आ, इस इस परिस्थिति को अगर समझे पिछले लगभग तीन से चार महीने के आसपास जब से ये संकट हमारे पूरे राष्ट्र पे आया है और विशेष तौर पे महाराष्ट्र पे ये जो परेशानी आई है इसका बहुत सारा असर शिक्षा व्यवस्था पे पड़ रहा है तो इसको समझने के लिए कि संदर्भ हमारे शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में क्या है राष्ट्र के संदर्भ में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं और हो भी रही हैं कि जो हमारे बच्चे हैं जो छात्र हैं जो स्कूलों में आ रहे थे नियमित रूप से पिछले तीन महीने या उससे कुछ अधिक समय से स्कूलों से पूरी तरह कटे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से उनका घरों से निकलना लगभग नामुमकिन हो गया है अभी थोड़ी थोड़ी शुरुआत हुई है और इसकी वजह से उनके परिवार में और उनके मित्रों के साथ जो उनके संबंध पहले थे तीन महीने पहले और जो आज है उसकी प्रकृति में बदलाव आ गया है दोस्तों से उनका मिलना शायद ही हो पाता है जैसे ही वो घर से निकलते हैं उनको रोका जाता है माता पिता जो कि कम उनसे मिलते थे कम उनकी देखभाल कर पाते थे अब अधिक समय देते हैं लेकिन साथ साथ अधिक बंदिशें भी लगाते हैं अधिक रोक भी लगाते हैं दूसरी तरफ परिवार जो जिनके बच्चे हमारे स्कूलों में आते हैं वो सामान्य श्रेणी के परिवार हैं मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग के परिवार हैं जो अपनी कमाई रोज रोज की या जो सामान्य उनकी कमाई है उस पर उनका जीवन निर्भर करता है लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति में काफी तेजी से गिरावट आई है और बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं अगर परिवार की आर्थिक स्थिति संकट में होती है तो उसका सबसे पहला असर जो है वो बच्चों के जीवन पे पड़ता है उनके खान पान पे उनके रहने पे, उनके सोचने पे उनके खेलने पे और उनके पढ़ाई लिखाई पे भी इसके साथ साथ जो तीसरा पक्ष है जो बच्चे रोज नियमित रूप से स्कूल आ जाया करते थे वहाँ अपने छात्रों छात्र मित्रों से मिलते थे शिक्षकों से मिलते थे और बहुत कुछ आ, सीखते थे देश दुनिया के बारे में जानते थे वो लगभग तीन महीने से या उससे थोड़ा ज्यादा समय से बंद सा पड़ा हुआ है तो उनके सीखने सिखाने की जो कार्यविधि थी उसमें भी एक गैप आ गया है एक एक खाई आ गई है इन तीनों को अगर मिला के देखें तो ये एक एक तरह का मानसिक आघात है बच्चों के लिए आ, वो वो नहीं जानते कि उनके साथ अब क्या होने वाला है हम तो शायद फिर भी सोच रहे हैं कि ये इतने दिनों के बाद खुल जाएगा खुलेगा तो ऐसा कुछ होगा वैसा कुछ होगा लेकिन एक दस साल के बच्चे के लिए इस तरह की परिस्थिति की कल्पना कर पाना और सोच पाना कि मेरे इस सेमेस्टर का क्या होगा क्या मैं अब आगे पढ़ पाऊंगा क्या हमारे स्कूल खुलेंगे क्या क्या हम फिर से वैसे ही कुछ चीजें सीख पाएंगे जो पिछले चार महीने में मैं सब कुछ भूल गया उसका क्या होगा तो एक एक तरह से जिसको हमने यहाँ स्लाइड में लिखने की कोशिश की है चाइल्ड एट अ लॉस हम नहीं जानते कि हम क्या करें कहा जाएं और ये स्थिति हमारी भी है हमें भी नहीं पता कि स्कूल कब खुलेंगे ऐसी परिस्थिति में हम ये ये चर्चा कर रहे हैं और इस पे बात करने की जरूरत महसूस हो रही है अब अगर ये बात करें वरुण नेक्स्ट स्लाइड प्लीज अब अगर ये बात करें कि ऐसे में हम कर क्या सकते हैं हमारे लिए संभव क्या है नेक्स्ट स्लाइड प्लीज या जो डिजायर्ड रिस्पॉन्स है इन इस परिस्थिति में यहाँ जो लोग जुड़े हुए हैं इस तरह के समूह जिसमें शिक्षक अधिकारी भी हैं शिक्षक भी हैं और कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं एड इंडिया फाउंडेशन के या अन्य संस्थाओं के जो एमसीजीएम एम से जुड़े हुए हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम करना चाहते हैं उनके लिए क्या संभव है वो क्या कर सकते हैं तो इसके कुछ हिस्से हैं और ये हमारी बातचीत का एक स्ट्रक्चर होगा इसी क्रम में हम ये बात करेंगे एक तो ये कि पूरा सिस्टम और इस सिस्टम में सिर्फ अधिकारी नहीं आते इस सिस्टम के पार्ट सारे शिक्षक भी हैं छात्र भी हैं और हमारे और वरुण के जैसे लोग जो सरकारी क्षेत्र में न होते हुए भी इस इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से काम करने की कोशिश कर रहे हैं इसके अलावा ढेर सारी संस्थाएं इन इन सबको इस संकट के काल को समझना पड़ेगा कि ये संकट है आंख मूद लेने से ये संकट खत्म नहीं हो जाने वाला ये कहने से कि नहीं कुछ नहीं हुआ है सब कुछ बदल नहीं जाएगा और अगर ये संकट का काल है तो हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना पड़ेगा क्योंकि संकट के काल में हमारे व्यवहार हमारे आचरण पे थोड़ा असर पड़ता है हमारा धैर्य जो है वो कमजोर होने लगता है तो सिर्फ छात्रों के लिए ही नहीं शिक्षक अधिकारियों के प्रति सहृदय हो अधिकारी शिक्षकों के प्रति सहृदय हो शिक्षक छात्रों के प्रति सहृदय हो और समाज शिक्षकों के प्रति सहृदय हो सब सबको एक दूसरे से सहानुभूतिपूर्ण ढंग से व्यवहार करना पड़ेगा क्योंकि संकट के काल में यह सबसे बड़ी समस्या होती है अब सवाल यह है कि हमारे पास विकल्प क्या है चॉइसेस क्या है ऑप्शंस क्या है तो एक तो यह है कि हम टेक्नोलॉजी की जो भी व्यवस्था संभव है हमारी सीमाओं के अंदर उसका उपयोग करके छात्रों तक पहुंचे क्योंकि छात्रों को ऐसे ही छोड़ देना तीन चार महीने और फिर आगे भी पता नहीं ये अगस्त में खुले सितंबर में खुले हमें नहीं मालूम अभी की परिस्थिति में खुलने के बाद भी ऐसा कुछ हो सकता है कि हमें अचानक फिर चीजों को बंद करना पड़े तो ये संभव नहीं है इसलिए हमें टेक्नोलॉजी का जहां तक संभव है जो भी उपलब्ध है और जो भी हम कर सकते हैं उसका उपयोग करके छात्रों से जुड़ना चाहिए ताकि वो अपने आप को अकेला और कटा हुआ ना महसूस करें दूसरी चीज हमारे पास जो भी सामग्री है जो भी आ, हमारे पास डिजिटाइज्ड कंटेंट है और यहाँ काफी सारी संस्थाएं हैं काफी सारी ऐसी प्लेटफॉर्म है जैसे मैडम ने दीक्षा का नाम लिया बाल भारती का नाम लिया एड इंडिया ने भी कुछ कंटेंट डाला है गूगल बोलो है बहुत सारी और चीजें हैं जिसके बारे में डिटेल से वरुण बताएंगे तो इन इन रिपर टॉयस का इनका हम इस्तेमाल करें और ये आसानी से उपलब्ध है बिना किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के इसके अलावा हमें पूरी शिक्षा व्यवस्था को खास करके स्कूल को और स्कूल में काम करने के तौर तरीकों खास करके शिक्षक और छात्र के बीच का जो रिश्ता था उसको एक बार फिर से री इमेजिन करना पड़ेगा क्योंकि ये ये व्यवस्था आमने सामने के लिए हमने बना रखी है और अभी हम दोनों एक दूसरे से दूर है मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप कहीं और हैं अपने दफ्तर में है अपने घर में है तो मुझे मुझे आपसे इंटरैक्टिव होना पड़ रहा है मैं आपके हम किस तरह की शिक्षा और किस तरह की शिक्षण पद्धति की बात करेंगे जिसकी जिसकी चर्चा और जिसका उदाहरण हम आगे आपसे साझा करेंगे आ, इस इस पूरे कार्यक्रम में शिक्षा के कार्यक्रम में तीन स्टेक होल्डर्स हैं पक्षकार हैं अगर कहें तो एक तो व्यवस्था है जिसको आप एमसीजीएम कह सकते हैं जिसमें सारे लोग शामिल हैं अधिकारी भी शामिल हैं हमारे आ, आ, शिक्षा सचिव भी शामिल होंगे हमारे महापौर भी शामिल होंगे हमारे अन्य नेतागण शामिल होंगे और शिक्षक भी शामिल होंगे दूसरी तरफ ये संस्थाएं हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की जिम्मेदारी लेती हैं उदाहरण के लिए हमने एड इंडिया लिखा है ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं जो पहले से एमसीजीएम के साथ काम कर रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो है इसका वो शिक्षक है क्योंकि शिक्षकों के बिना ये पूरी व्यवस्था नहीं चल सकती तो इन तीनों की अपनी अपनी भूमिका होगी और इनकी भूमिकाओं की भी बात हम करेंगे कि हम क्या कर सकते हैं इस परिस्थिति में हमारे लिए क्या संभव है और यहाँ बात करते हुए हम अपनी सीमाओं का ख्याल रखेंगे हम ऐसी कोई बात नहीं करेंगे कि हमें आसमान से तारे तोड़ के ले आना एक परिस्थिति की कल्पना मैं करता हूं कि अगर हम ये कहें ठीक है ये परेशानी तो है जब तक चल रही है तब तक स्कूलों को बंद रखते हैं बच्चे घरों में रहेंगे पढ़ाई लिखाई तो कैसे हो सकती है नहीं कर पाएंगे हमारे पास व्यवस्था नहीं है अगर इन परिस्थितियों में हम हार मानने जैसी चीज कर लेते हैं कभी ऐसी सोच हमारे मन में आती है तो कुछ चीजें जो एकदम आपके सामने हैं जो आपको भी पता है मैं सिर्फ आपसे साझा करना चाहूंगा कि पिछले दिनों एक अशोका यूनिवर्सिटी ने वेबिनार किया था जिसमें हमारी एम की सेक्रेटरी एजुकेशन मैडम अनिता करवाल थी उन्होंने एक डेटा शेयर किया और ये पांच दिन पहले की बात है कि हमारे प्राइमरी में वन टू फाइव में करीबन 123 मिलियन बच्चे हैं जो पढ़ते हैं गवर्नमेंट सिस्टम में लेकिन जब हम अपर प्राइमरी और सेकेंडरी को देखते हैं तो ये संख्या घट के सीधी आधी हो जा रही है इट्स अराउंड 63 मिलियन सिर्फ साठ से बासठ मिलियन के आसपास यानी तकरीबन आधे से अधिक बच्चे जो हैं, वो प्राइमरी से अपर प्राइमरी और सेकेंडरी में नहीं पहुंच पाते हैं अब अगर ऐसी परिस्थिति में विशेष तौर पे प्राइमरी के बच्चों के साथ हम काम नहीं कर पाए तो ये जो पचास प्रतिशत का डाउनफॉल है ये शायद और बड़ा हो जाएगा और ये हमारी व्यवस्था के लिए हमारे राज्य और राष्ट्र के लिए बहुत ही शुभ संकेत नहीं होगा तो इसको हमको बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ये ड्रॉप आउट कम हो सके एक दूसरी चीज जो समाज में आप सबको मालूम है कि एक एक वर्ग है विशेष जिसके बच्चे सरकारी स्कूलों में आते हैं और उनके बीच और जो दूसरा वर्ग है जो जो वर्ग बहुत कुछ टेक्नोलॉजी का फायदा उठा ले जा रहा है इन दिनों चूंकि उसके पास सारी चीजें उपलब्ध है उनके बीच एक लगातार सीखने की और उसकी वजह से उनके आर्थिक स्थिति के बीच एक खाई पैदा हो रही है और ये खाई अगर बढ़ी तो ये समाज के लिए राष्ट्र के लिए व्यवस्था के लिए शुभ संकेत नहीं होगा इसलिए ये ये परिस्थिति में अगर हम नहीं कुछ कर पाते हैं हम इस तरह का चैलेंज नहीं लेते हैं तो ये हमारी पूरी व्यवस्था के लिए एक चिंता का विषय होगा और मुझे लगता है कि चूंकि हम और आप दोनों इस व्यवस्था के बेहतरी के लिए मिल के काम कर रहे हैं इसलिए आप आप सबके माध, माध्यम से आप सबके बिहाफ पे मैं इस, इस, इस आ, वेबिनार पे आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो भी कर सकते हैं और हमारी तरफ से इन संस्थाओं की तरफ से हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपके कदम से कदम मिलाकर तो जरूर चलेंगे अगर आगे न चल पाए धन्यवाद थैंक यू ओवर टू वरुण धन्यवाद राजेश जी आ, आपका मार्गदर्शन धन्यवाद धन्यवाद सर धन्यवाद सर यानंतर वरुण yes. भांब्रे जी आपण या ठिकाणी मार्गदर्शन करण्याची विनंती करतो वरुण अंबरे सर धन्यवाद पावडे सर तर काही प्रश्न आपले युट्युब लाइफ सेशन जे चालू आहे त्याच्यातून काही प्रश्न समोर आले आहेत तर राजेश जी कुछ सवाल सामने आए है यहाँ पे तो ही. उसका आप अगर कुछ जवाब दे सको तो काफी आ, मतलब अच्छा होगा तो एक चीज पूछी जा रही है की मान लीजिए अभी तो ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रहा है ऑनलाइन टीचिंग के लिए ऑनलाइन लर्निंग के लिए लेकिन जब स्कूल्स चालू होंगे स्कूल शुरू होंगे तब स्टूडेंट्स के साथ कैसे बिहेवियर होना चाहिए टीचर्स का या फिर कैसे उन्होंने स्टूडेंट्स को इमोशनली कैसे कैसे हैंडल करना चाहिए सेंसिटिव कैसे होना चाहिए सेंसिटिव होना उसके हाँ, बारे में थोड़ा सा बता सको तो संभावनाएं कई तरह की हो सकती हैं एक तो ये हो सकता है कि भाई हम कहें बच्चों से कि सब कुछ भूल जाओ कुछ नहीं हुआ सबसे वापिस आ जाओ जैसे हम काम कर रहे थे ये शायद उचित तरीका नहीं होगा क्योंकि इस तरह के संकट के अनुभवों को भूलना संभव नहीं हो पाता है तो एक तो इस, इस ये जो उनके अनुभव है उनको सुनना पड़ेगा और उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया जो मैंने शुरू में कहा कि सबको एक दूसरे के प्रति रखना पड़ेगा एक तो ये बात होगी दूसरे स्कूल जब भी खुलें सेप्टेम्बर में खुले अक्टूबर में खुले या और आगे पीछे खुले ये स्कूल फिर से 2019 वाले स्कूल नहीं होने वाले हैं इसने इसने दुनिया को बदल दिया लोग न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो जिसको हम नॉर्मल कहते थे वो शायद थोड़ा बदल जाएगा और अब किसी भी परिस्थिति में ये ठीक है कि हमारी फेस फेस टू स्कूलिंग शुरू हो जाएगी लेकिन किसी भी परिस्थिति में हम वापिस वहां नहीं जा पाएंगे तो एक ब्लेंडेड लर्निंग सा माहौल होगा ही होगा और ये ऑनलाइन भले ही पूरा का पूरा ना चले लेकिन इसका एक अंश हमारी व्यवस्था में अब स्थायी तौर पे रहने वाला है कम से कम मेरे मेरी समझ तो ऐसी ही है